أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वी स्कूल लर्निंग ऐप में आप सभी का खैर मकदम है। अजीज तलबा तालिबात, हम यहाँ जलगांव शहर में रहते हैं। जैसे कि हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, खाला खालू, मामू मुआनी वगैरह कोई दुलिया शहर में रहते हैं, कोई मालेगांव में रहते हैं, कोई नासिक में रहते हैं, कोई मुंबई में रहते हैं, या फिर कोई दूसरी रियासत जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है वगैरह में रहते, या फिर बहुत से रिश्तेदार जो काम के सिलसिले में हमारे मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका, रशिया है, जापान है, चाइना है, सऊदी अरब है वगैरह ममालिक में रहते हैं। अजीज तलबा तालिबात, अगर हमें इन लोगों तक किसी शादी की खुशखबरी पहुंचानी है, जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है, या फिर किसी मैयत की खबर पहुँचानी है, तो हम फौरन अपने मोबाइल का फ़ोन का बटन दबाकर उनको फ़ोन लगाकर उन तक ये मालूमात पहुंचा देते हैं। लेकिन आज से 50-60 साल पहले, तब उस ज़माने में मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, उस वक्त के लोग अगर किसी दूर दराज के रिश्तेदार तक अपनी कोई भी खबर पहुंचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, ये हमें जानना हुआ। तो अजीज तलबा तालिबात, उस वक्त के लोगों ने अपने पैगाम एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए डाक का निज़ाम कायम किया था। अभी बहुत से बच्चों ने अपने अतराफ की पोस्ट ऑफिस वगैरह देखी होंगी, खत देखे होंगे, तार देखे होंगे और दूसरे लेटर देखे होंगे कि वो किस तरह से होते हैं। अभी इन लेटर का इस्तेमाल, इन खत का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा खत को, लेटर को या फिर तार को इस्तेमाल करते थे। तो हम आज खत इस उम्र के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खत जो है एक वाहिद लफ्ज़ है और खत की जमा खतूत होती है। तो हम देखेंगे कि पुराने ज़माने के लोग किस तरह से तहरीरी अंदाज में अपने एहसास, अपने जज्बात और अपने खुशी और गम का इजहार खतूत के जरिए किया करते थे। तो चलिए हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से खतूत वगैरह लिखते थे।